के पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और सीनियर लीग रहनुमा शाहिद खाका नबासी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के टाइम फ्रेम और नंबर गेम पर मुशावरत की गई है। मजीद तफसीलात लेते हैं साजिद बलोच से। साजिद बताइएगा कि मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत की गई। जी बिल्कुल जन्नत, साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नबासी की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात की गई है और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया है और बामी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। जराए के मुताबिक इस अहम मुलाकात में वजीर आजम के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम के अलावा तरीके अदम एतमाद के टाइम फ्रेम पर भी बात की गई है और चीज़ों को हतमी शक्ल दी गई है। शाहिद खाका नबासी ने साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की हिदायत पर यह मुलाकात की है, ऐसा कहना है जराए का। नंबर गेम पर जो है इत्मीनान का इजहार किया गया है, इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी रखने का फैसला किया गया है और वाज रहे कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ जो फॉरन फंडिंग केस की समाप्त कर रही है, अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के फैसले को देख के अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बनाएगी, ऐसा कहना है जराए का। जी साजिद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुलाकात का अहवाल बता रहे थे।